चलिए जी, नेक्स्ट कौन करेगा मेरे बच्चों? 28। तो सबसे पहली चीज, डेका से इथा बन रहा है, तो ये चेन क्या हो रही है, छोटी हो रही है कि बड़ी हो रही है? छोटी। तो छोटी कहाँ कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे तो बड़ी हो रही है, ये गलत हो गया। ये भी बड़ी हो रही है, ये गलत हो गया। ये छोटी हो रही है, ये भी छोटी हो रही है। तो बी या डी में से आंसर हो सकता है। और आगे इथीन से क्या बन रहा है? पोलीथीन। तो फिर डी आंसर है, क्योंकि प्रोटीन का मोनोमर जो है वो अमाइनो एसिड होता है जी। तो प्रोटीन को जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो पक्की बात है जी, अमाइनो एसिड बन जाएगा जी। इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथेन टू फॉर्म अ पॉलीइथेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सर इसके आगे निशान जी कौन सी चीज वो कहता है कि चेंज नहीं होती? ये देखें जी, इसको समझाने के लिए मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करें कि आपके पास ये एक मोनोमर है, ठीक है जी, इसका नाम है जी इथीन। आपके पास अ लार्ज नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स है मेरे बच्चों, लाइक दैट। ये इथीन के मॉलिक्यूल्स आपके पास काफी ज्यादा तादाद में मौजूद है, इस तरह, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जब ये रिएक्शन होता है, इसको 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर देते हैं, और मैंने कहा था कि इन सब के डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं और ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है जी। तो आपस में जुड़ के ये आपकी एक लॉन्ग चेन बन जाएगी जो कि दोनों तरफ कंटिन्यू होगी। ब्रैकेट डाल के एन लिख देते हैं, ये सारे हाइड्रोजन लिखे हुए हैं आपके, ठीक है जी, यू गॉट इट। अब यहां पे जो इथीन आपके पास था, इसका इंपीरिकल फॉर्मूला बनाए। इंपीरिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? इसमें कार्बन दो है, कार्बन दो, हाइड्रोजन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, हाइड्रोजन 4 है। इसका इंपीरिकल फॉर्मूला होता है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 2, तो 2 2 4, तो CH2 इसका इंपीरिकल फॉर्मूला बन रहा है। अब ये देखें, ये आपका पूरा पोलीथीन बन चुका है, इसमें भी इसका भी इंपीरिकल फॉर्मूला बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाइड्रोजन 12 है। तो इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, 6 1 6 6 2 12, तो इसका CH2 आ रहा है। तो मेरे बच्चों, चाहे मोनोमर हो चाहे पॉलीमर हो, उनका एक तो इंपीरिकल फॉर्मूला जो है वो सेम रहता है, और दूसरी चीज जो है वो उनका मास सेम रहता है। यानी इथीन अगर आप 2 किलोग्राम लेंगे तो उससे पॉलीथीन भी आपका 2 किलोग्राम ही बनेगा। ये नहीं होगा कि इथीन आपने ले ली 2 किलोग्राम और उससे जो आपका पॉलीथीन है वो बन गया 10 kg, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 31। तंजील, इन विच पेयर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर्स आर द लिंकेज द सेम? जी बताइए। सी सी, नायलॉन और प्रोटीन दोनों के अंदर मेरे प्यारे बच्चों अमाइड लिंकेज होती है जी, दोनों के अंदर। तो इनमें अमाइड लिंकेज जो है वो प्रेजेंट है जी, यू गॉट इट। बताया तो है इंपीरिकल फॉर्मूला, और क्या बताया, मैस तो है ही नहीं, वो मॉलिक्यूलर मैस है, मैं अकेले मैस की बात कर रहा हूँ, मॉलिक्यूलर मैस डिफरेंट चीज है, वो MR है। अच्छा जी, 32 वाला जी, Which polymer would hydrolyze to amino acids? सबसे पहले तो अमाइनो एसिड का जुड़ती हैं तो क्या बनता है, प्रोटीन बनती है। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर ढूंढ, इनमें से कौन सा है? प्रोटीन में मैंने कल बताया था क्या होता है, डिब्बे के एक तरफ क्या होता है, सी डबल बॉन्ड हो, और दूसरी तरफ क्या होता है, NH होता है जी, NH ठीक है। तो चेक करें कि डब्बे के एक तरफ सी डबल बॉन्ड हो और NH, तो ये डी में आ रहा है, तो डी आपका आंसर है जी। समझ लगी यस है अली, यू गॉट इट बॉय। सर ये जो सी वाला स्ट्रक्चर है, इसमें डब्बे के दोनों तरफ सी डबल बॉन्ड हो हैं, दूसरी तरफ दोनों तरफ NH NH है, तो ये तो नायलॉन का स्ट्रक्चर है। और ये वाला डब्बे के दोनों तरफ सी डबल बॉन्ड हो, इसके ओ ओ हैं, तो ये आपका जो है वो टेरिलीन है जी। और ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, ये तो आपका कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर होता है जी, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ जी, ठीक है। अच्छा बेटे, कल जो है वो आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स का और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है वो टेस्ट है।